नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। लगभग 5500 वर्षों से शरद पूर्णिमा की पूजा होती चली आ रही है। 2 से 3 घंटे तक चंद्रमा अपनी आकर्षक छटा बिखेरता नजर आता है। ऐसा भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की सुंदर रात में भगवान कृष्ण रास रचाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात वैज्ञानिक दृष्टि से भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। चंद्रमा से निकलने वाली किरणों में विशेष प्रकार के लवण व विटामिन होते हैं। जब ये किरणें खाने पीने की चीजों पर पड़ती हैं, तो उनकी गुणवत्ता और भी बढ़ जाती है। हालांकि मान्यता ये भी है कि शरद पूर्णिमा की रात 10 से 12 बजे तक 30 मिनट के लिए चंद्रमा की रोशनी में रहना स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद रहता है। और आयुर्वेद कहता है कि हर मौसम में एकदम से बदलाव शरीर के लिए नुकसानदेह है। मौसम बदलने पर लोग बीमार होते हैं। खानपान से लेकर कपड़े और रहन सहन में बदलाव होता है। पूजा हो रही है, भगवान वृंदावन में रासलीला रचा रहे हैं। आज से 5,500 वर्ष पहले द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने लीला रचाई थी। शरद पूर्णिमा अश्विनी मास से शुक्ल पक्ष पूर्णिमा आयाम तिथि ये रासलीला गोपियों के लिए रचाई गई थी। कहाँ रचाई जाती है इसका? ये मथुरा वृंदावन में। तो ये पूजा कब से हो रही है? यह 5,500 वर्ष हो गए हैं। ये यहाँ पर आप पूजा के आपके पुरुषों से यहाँ पूजा हो रही थी? हमारे पिताजी कर रहे हैं, भाई साहब करते रहे। हम मेरा अवसर आया, हम कर रहे हैं। इसमें कौन से भगवान की पूजा होती है? यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। कृष्ण जी के रूप में जो अवतार दिया है उन्होंने। कानपुर से मोहम्मद जुनैद के साथ अमन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।